हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का जो आज एग्जाम हुआ है शिफ्ट वन में, पेपर वन, जिसमें जनरल हिंदी और पेपर वन सिविल इंजीनियरिंग इंक्लूडेड था। सो आई विल बी डिस्कसिंग 100 क्वेश्चंस ऑफ पेपर वन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस। सो जिस भी क्वेश्चन में फर्दर किसी को डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी 26th क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन का, वो है द फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन बी गिवन एज पर आईएस 456 के अकॉर्डिंग। जो हमारा फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, दैट इज टेकन एज 0.7 रूट FCK। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मीडियम ग्रेन सैंड के लिए हमारा जो ग्रेन साइज होगा वो किस रेंज में लाई करता है। तो हमारी जो कोर्स सैंड है उसके लिए जो साइज रेंज है वो हमारा 2 से 4.75 होता है। 2 mm से लेकर 4.75 mm साइज तक की जो सैंड होगी वो मीडियम ग्रेन सैंड में आएगी। जो हमारी कोर्स ग्रेन सैंड में आएगी, जो मीडियम सैंड है उसका जो साइज रेंजेस है 0.425 से लेकर 2 mm तक की रेंज में होता है। और जो हमारा फाइन ग्रेन सैंड है वो 0.075 mm से लेकर 0.425 mm तक होता है। तो हमारा यहाँ पर मीडियम ग्रेन सैंड के लिए पूछा गया है तो 0.425 mm से लेके 2 mm तक, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सैचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट है जिसमें जो डेंसिटी है सॉइल की वो 20 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है, यानी ये हमारी गामा सैचुरेटेड दिया हुआ है। और हमसे पूछा गया है कि इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एट 5 मीटर डेप्थ। तो हमारी 5 मीटर डेप्थ पे इफेक्टिव स्ट्रेस होगा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। जो टोटल स्ट्रेस होगा दैट विल बी गामा इनटू जेड, यानी गामा सैचुरेटेड हमारा 20 है और हम 5 मीटर डेप्थ पर ले रहे हैं। और हमारा जो पोर वाटर प्रेशर होगा यूनिट वेट ऑफ वाटर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली हम 10 ले लेंगे इनटू मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हमारा आ जाएगा आपका 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फिक्स सपोर्ट है किसी भी एग्जिस्टिंग बीम में वो हमारा कंजुगेट बीम में फ्री एंड की तरह बिहेव करेगी एज पर कंजुगेट बीम थ्योरम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3-hinge पैराबोलिक आर्च विल हैव नो बेंडिंग मोमेंट। हमारी एक 3-hinge पैराबोलिक आर्च है जिसमें हमारा सपोर्ट्स में जो है वो हिंज है और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा अगर हमारा इन सपोर्ट्स के अलावा कहां पर हिंज लोकेटेड होगा। तो हमारा हिंज कहीं पर भी लोकेटेड हो अगर इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो पैराबोलिक 3-hinge आर्च में हमारा हर सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो जीरो होगा, बिकॉज जो हमारा फनिकुलर पॉलीगोन होगा वो भी पैराबोलिक शेप का होगा और बेंडिंग मोमेंट जो विच विल करस्पॉन्ड टू द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर ये हमारा जो आर्च है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। एक्चुअल में हमारी ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए कंडीशन पूछी जा रही है विच विल अज्यूम। तो हमारा एनीवेयर इन द आर्च जहां पर भी थर्ड हमारा हिंज होगी विथ UDL, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट हर सेक्शन पे जीरो होगा। जो वी पोल्स है दे आर प्रोवाइडेड इन रिटेनिंग एंड ब्रेस्ट वॉल्स टू ड्रेन ऑफ द वॉटर फ्रॉम द फिलिंग। ठीक है, वॉटर को ड्रेन करने के लिए हम वी पोल्स अपने स्ट्रक्चर में देते हैं रिटेनिंग एंड ब्रेस्ट वॉल्स। IS 456 के अकॉर्डिंग हमारा जो क्लोराइड कंटेंट है प्लेन कंक्रीट के लिए, प्लेन कंक्रीट का मतलब है कि हमारा कोई भी एम्बेडेड रेनफोर्समेंट नहीं है, तो एम्बेडेड रेनफोर्समेंट नहीं है तो वी कैन गो अप टू 2000 मिलीग्राम पर लीटर। फॉर RCC इट इज 500 मिलीग्राम पर लीटर। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। न्यू मार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा दिया है कि 8 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिसको हम M बोलते हैं और 10 हमारे रेडियल लाइन्स हैं। तो हमारा किसी भी डेप्थ पे जो स्ट्रेस होता है एज पर न्यू मार्क इन्फ्लुएंस चार्ट m मल्टीप्लाई बाई n इंटू क्यू इंटू n, n इज द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एरियाज। ठीक है, m हमारे कंसेंट्रिक सर्कल्स कितने हैं और हमारे रेडियल लाइंस जो है वो n कितनी है। तो ये जो फैक्टर होता है 1/m × n दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस फैक्टर। तो IZ जो हो जाएगा दैट विल बी 1/8 × 10। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.0125। ठीक है,
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप। ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप को हम क्या लिख सकते हैं, एनजी इज इक्वल टू ब्लॉक फेल्योर में जो हमारा ग्रुप की पाइल कैपेसिटी है डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पाइल्स कितनी है। तो ये जो वैल्यू है ग्रुप एफिशिएंसी की, ये वैल्यू हमारी क्लेज के लिए, क्लेई सोइल्स के लिए जनरली अदर फैक्टर्स रिमेनिंग नेग्लेक्टेड, हमारा फॉर क्लेई सोइल्स इट इज लेस देन 100% और इन जनरल सैंड्स के लिए इट इज ग्रेटर देन 100%। ठीक है, बट जो हमारी डेंस सैंड्स में अगर हम बात करते हैं तो एफिशिएंसी हमारी लेस देन 100% हो जाती है। ठीक है, लूज और मीडियम सैंड्स के लिए हमारी 100% से ज्यादा रहेगी और 100% से कम हो जाएगी अगर हमारा डेंस सैंड है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ इज मोर देन 100% इन कोहेशनलेस सॉइल, तो कोहेशनलेस सॉइल में हमारे डेंस सैंड्स भी आती है, डेंस सैंड्स में हमारी इट इज पॉसिबल की एफिशिएंसी लेस देन 100% भी हो जाएगी। तो ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, बहुत सारी जगह पर आपको ऑप्शन डी मिलेगा बट इट इज नॉट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा कि हमारी इट इज पॉसिबल फॉर लेस देन 100% एंड मोर देन 100% डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और किसी भी टाइम पर उसकी जो पोजिशन है वो इससे गवर्न है इस इक्वेशन से, एक्स हमारा मीटर्स में है, टी हमारा सेकेंड्स में और मैक्सिमम वेलोसिटी हमसे पूछी जा रही है। तो वेलोसिटी इज गिवन बाय dx बाय dt, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट 12t माइनस 3t स्क्वायर। अब मैक्सिमम वेलोसिटी के केस के लिए हमारा जो dv बाय dt है वो जीरो होना चाहिए, तो हमारा आ जाएगा 12 माइनस 60, यानी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स में हमारी जो वेलोसिटी होगी वो पार्टिकल की वो मैक्सिमम होगी। तो इस t इक्वल टू 2 सेकेंड्स को आप यहां पे रखोगे तो विल गेट 24 माइनस 3 इंटू 4 यानी 12 मीटर पर सेकेंड, हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी वो 12 मीटर पर सेकेंड होगी ड्यूरिंग इट्स मोशन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफ्लेक्शन ऑफ फ्री एंड पर हमें रेशियो निकालना है कैंटिलीवर बीम के लिए जब हमारा कंसंट्रेटेड लोड पहले केस में 1/3 दूरी पे है फ्री एंड से, फ्री एंड से 1/3 दूरी पे यानी L/3 दूरी पे हमारा कंसंट्रेटेड लोड लगा है और हमारा ये फ्री एंड अगर हम सी मान लें तो डिफ्लेक्शन पहले केस के लिए YC1 जो होगा आप डेराइव करके निकालोगे अगर तो इट विल कम एट 28 WLQ/162 EI। और दूसरा केस ये है कि हमारा जो कंसंट्रेटेड लोड है वो हमारा 2L/3 पर लगा हुआ है और हमें वापस से इस सी सपोर्ट पे निकालना है, उस केस में हमारा जो लोड आए डिफ्लेक्शन आएगा इस लोड के करस्पॉन्डिंग 8 WLQ/162 EI आएगा। आप अगर दोनों का रेशियो निकालोगे YC2/YC1, इसमें एक्चुअली किसका किसके बीच में रेशियो पूछा गया ये नहीं लिखा हुआ है, तो आप कोई भी निकालोगे एक रेशियो तो YC2/YC1 करोगे आप तो आपका 2/7 मिलेगा, YC1/YC2 करोगे तो 7/2 मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैचिंग ऑप्शन है ऑप्शन डी है, तो वी कैन से कि अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो सकता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट जो सीमेंट हमारा होता है उसमें जो डिफरेंट हाईएस्ट कंपोनेंट है वो हमारा लाइम का होता है विच इज अराउंड 60-67%। आयरन ऑक्साइड हमारा 0.5-6% की रेंज में होता है, एल्यूमिनियम हमारा 3-8% की रेंज में होता है, सिलिका हमारा 17-25% की रेंज में होता है। तो हमारा हाईएस्ट जो रेंज है वो है लाइम की। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेनफोर्समेंट एक रेक्टेंगुलर बीम में प्रोवाइडेड है जिसमें इफेक्टिव डेप्थ दी है 500 mm और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 300 mm दिया है और 400 mm की ग्रेड की स्टील दी हुई है जो कि टेंशन रेनफोर्समेंट में प्रोवाइडेड है। तो हमें बताना है कि किस टाइप का हमारा सेक्शन है, तो हमें पता है कि अगर हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा होगा तो हमारा वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा, अगर इसका अपोजिट केस होगा तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा। तो वी विल डिटरमाइन XU लिमिटिंग, तो FE415 के लिए जो हमारा XU लिमिटिंग होता है वो हमारा 0.48D के अप्रॉक्स होता है, तो इट कम्स अराउंड 239.5 mm। तो आप देख पा रहे हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमारा 300 mm है जो कि 239 mm से ग्रेटर है, इसका मतलब हमारा जो सेक्शन है वो हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान रखना है स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लीनियर होता है,
स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो हम अज्यूम करते हैं, इट मे बी रेक्टेंगुलर, इट मे बी पैराबोलिक, इट मे बी ट्रेपोजाइडल, बट जो हमारा आई एस 456 ने रिकमेंड किया है शेप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज पैराबोलिक अप टू सर्टेन डेप्थ फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेप्थ. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैराबोला एंड रेक्टेंगुलर शेप ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. तो ऑप्शन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. जो मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेल्स हैं required to determine the permeability of stratum in a field by pumping test. जो field में pumping test करते हैं वहाँ पे हमें minimum दो observations well के drawdown से हम main well में निकाल सकते हैं कि हमारी permeability क्या होगी उस strata की. तो हमारा correct answer जो होगा option B होगा. ये test series में मैंने question दिया था, जिन students ने enroll किया होगा test series में they will able to know. जो next question है हमारा कि critical activity में हमारा निगेटिव फ्लोट भी हो सकता है विच इज अज्यूम टू बी जीरो. तो नियरेस्ट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो जीरो फ्लोट होगा. ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दो कंकरेंट फोर्सेस हैं 20 केजी की और 15 केजी की और राइट एंगल पर लग रही हैं. ठीक है, डायरेक्शन बेसिकली नहीं दिया तो विल अज्यूम कि दोनों हमारी अवे फ्रॉम द पॉइंट. कंकरेंट मीन्स दे आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट. तो एक 20 केजी है और एक हमारी 15 केजी है. तो रिजल्टेंट जो होगा वो हमें निकालना है. तो इस केस में जो रिजल्टेंट आपको पता है दो फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, तो वी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस. तो थीटा ना 90 है तो ये फैक्टर 90 कॉस 90 जीरो हो जाएगा. तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 25 केजी एज द करेक्ट आंसर. हमारा ऑप्शन बी जो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा. उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस फेल्योर के लिए जो डेप्थ फैक्टर है वो कितना होता है. तो अगर हम कोई एक स्लोप कंसीडर करें, ठीक है, और अगर ये हमारा फर्म सरफेस है और हम बेस फेलियर कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा स्लोप फेलियर कुछ ऐसा होगा. तो ये जो डेप्थ है ये हमारी एच है और ये टोटल डेप्थ जो है फर्म स्ट्रेटा की स्लोप के टॉप से डी प्लस एच हम अज्यूम कर लेते हैं. तो इट मीन्स डी इज दिस वन. जो हमारा फैक्टर है डी एफ इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ डी प्लस एच डिवाइडेड बाई एच. ठीक है, तो अगर हमारा बेस फेल्योर है, ठीक है, तो उस केस में डीएफ जो होगा वो वन से ग्रेटर होगा. अगर हमारा टू फेल्योर होगा उस केस में हमारा ये शेप ऐसे कुछ होगा, तो उस केस में डी हमारा जीरो हो जाएगा. तो डीएफ जो होगा वन हो जाएगा टू फेल्योर के केस में, और डीएफ जो है ग्रेटर देन वन होगा फॉर बेस फेल्योर केस. तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेटेड is determined by square root of time fitting method. Next question है कि moment area method में deflection of point A from a tangent at B is equal to B. Moment of M upon EI diagram between A and B about point A. ध्यान रखना है जिस point के about deflection ले रहे हैं with respect to tangent at another point, उसी के respect में हमें moment लेना रहता है. ये आपको ध्यान रखना है. तो हमारा correct answer जो होगा वो option B होगा. उसके बाद द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट स्टोन लाइज बिटवीन 2.5 से लेके 3 के बीच में. नियरेस्ट आंसर होगा आईएस 456 के हिसाब से जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो है वो हमारा 240 केजी पर मीटर क्यूब रखा गया है और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो रखा गया है वो 0.6 रखा गया है. ये टेबल में मैंने आईएस 456 के कोडल प्रोविजंस के एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से एलाबोरेट किया है, यू कैन रेफर दोस. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा. सेंसिटिविटी ऑफ क्ले कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सोइल टू दैट ऑफ सोइल इन रिमोल्डेड स्टेट. उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हमारी ये किसी सोइल की जो कि सिल्टी क्ले है उसकी जो लिक्विड लिमिट है वो 40% है. तो अगर हम ए लाइन के लिए जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो निकालें 0.73 WL-20, तो इट कम्स टू अराउंड 14.6. तो आप देखेंगे कि जो हमारी ए लाइन है के करस्पॉन्डिंग जो आईपी है और जो सोयल की एक्चुअल में आईपी है दैट इज अबव दिस ए लाइन. तो यहां पर हमारी कहीं सोयल लाई कर रही है और जो हमारा लिक्विड लिमिट है ये हमारा 35 से 50 के बीच में है. तो ये इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी की रेंज में आ रहा है. तो आइस हमारा यूज होगा और इट विल बी अ क्ले सोइल. ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा. उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पाई डी फोर अपॉन 64, और स्क्वायर प्लेट के लिए हमारा जो अगर डेप्थ हमारी सेम है तो इट विल बी डी फोर अपॉन 12। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा जो रेशियो आएगा आई सी अपॉन आई एस इज इक्वल टू 3π/16 आ जाएगा, 3π/16 जो इसको सॉल्व करोगे इट विल नो इट इज लेस देन 1। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैन बी अप्लाइड टू इलास्टिक सिस्टम बाय कंसीडरिंग द वर्चुअल वर्क ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। इसमें पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड करेक्ट विद रिगार्ड टू कोर्स एग्रीगेट 10 mm साइज। तो स्ट्रेंथ 10% फाइंस को करेस्पॉन्ड कर रहे हैं, टफनेस इज रिलेटेड टू इंपैक्ट टेस्ट, हार्डनेस इज रिलेटेड टू एब्रेशन टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नॉट रिलेटेड विद पाइकनोमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्टील स्ट्रक्चर में अगर हमारा डिजाइन विंड स्पीड जो है 45 m/s² है तो जो बेसिक विंड प्रेशर होगा दैट इज गिवन एज 0.6 VZ का स्क्वायर। 0.6 into 45 का होल स्क्वायर करोगे तो विल गेट 1.215 kN/m² एज द बेसिक विंड प्रेशर। इनिशियल लोड टेस्ट हमारी जो इनिशियल टेस्ट पाइल हम करते हैं उस पर की जाती है, और रूटीन टेस्ट हमारे ड्यूरिंग द वर्किंग पीरियड जो हम पाइल्स स्ट्रक्चर के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उन्हें वर्किंग पाइल्स बोलेंगे, तो वो फाइल्स जो होंगी उस पे हम रूटीन टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी विल द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फोर्सेस 1 N, 2 N, 3 N, 4 N, 5 N, 6 N अगर इस तरह एक्ट कर रही हैं कि वो रेक्टेंगुलर हेक्सागन के अलोंग साइड्स के अलोंग एग्जिस्ट कर रही हैं तो देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय 6 N। इसका अगर किसी को कैलकुलेशन चाहिए होगा पर्सनली मुझे मैसेज कर देगा, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी है इस वजह से मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन आपको नहीं बता रहा हूँ, बट The resultant जो आएगा वो 6 N आएगा। What is the virtual quantity in case of virtual work method? Displacement हमारा जो है वो virtual quantity है। Correct answer option C होगा। Strength of timber जो है parallel to the grain हमारा maximum होगी। Considering the following methods of preservation of timber, तो correct sequence हमें पूछा गया decreasing order of effectiveness। तो highest effective method जो है वो pressure elimination है, फिर dipping है और फिर इस स्प्रेइंग है। तो 3-1-2 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। 58 का सी हो जाएगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंप्रेशन मेंबर कैरिंग लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड सुपरइंपोज लोड इज 180। इफ पी इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइनिंग नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, परसेंटेज ऑफ वाटर टू बी एडेड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम, तो इट इज टेकन एज 0.85 P। हमारा पी प्लस 4+3% जो होता है ये हम लेते हैं किसमें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के केस में, और जब हमें साउंडनेस टेस्ट करना होता है तो इट इज टेकन एज 0.78 P। पी इज द वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। 61 में हमारा डिफरेंट कंपोजिशन है ऑक्साइड्स की, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे कम जो कम वेटेज है वो हमारा एल्यूमिना का है जो कि 3-8% होता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम 60-67% होता है, और सिलिकॉन जो होती है 17% मिनिमम हमारा रहता है। तो हमारा 132 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आइसोलेटेड रेनफोर्स फुटिंग में जो हमारा पंचिंग शेयर के लिए स्ट्रेस कैलकुलेशन करते हैं वो हम कॉलम के फेस में कॉलम की पेरिफेरी के अलोंग D/2 दूरी पर करते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारा रिजल्टेंट जो है दो इक्वल फोर्सेस का वो सेम मैग्नीट्यूड का, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और जो हमारी फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड सभी इक्वल है, इसको अज्यूम कर लेते हैं एफ है, और हमसे पूछा जा रहा है ये कब होगा कि जब हमारा एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस विल बी, हम अज्यूम कर लेते हैं इट इज थीटा, तो वी कैन राइट कि आर स्क्वायर जो है वो F1² + F2² + 2F1F2 cos थीटा। यहां एफ सभी की वैल्यू एफ रख दोगे तो आपकी जो इक्वेशन बन के आएगी वो 1 = 2 1+cos थीटा आ जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो cos थीटा जो आएगा वो -1/2 आएगा, यानी cos जो थीटा की वैल्यू होगी वो 120 डिग्री होगी। ठीक है, उसके केस में हमारा जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है और जो बाकी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। जो कैविटी वॉल है वो हीट इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन और डैम्पनेस तीनों के प्रिवेंट करने के लिए यूज होती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद जो वेब क्रिपलिंग है वो हमारी
वहां पर होगी जहां पर देयर इज अ कंसंट्रेटेड लोड, हैवी बियरिंग स्ट्रेसेस जनरेट होती है एंड जनरली इट इज सीन एट रोल्ड सेक्शन, इट इज एट द जंक्शन ऑफ द वेब एंड द फ्लैंज। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। टफनेस इंडेक्स जो होगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लाइट शुड नॉट बी मोर देन 12 to 14 इन जनरल रहता है। कहीं आपको 12 भी मिलेगा, कहीं आपको 13 भी मिल सकता है, कहीं बुक्स में 14, लेकिन स्टैंडर्ड इज जो इंडियन स्टैंडर्ड्स में है वो 12 है और जो मिनिमम नंबर ऑफ फ्लाइट्स है वो हमारी 3 होनी चाहिए। एक किसी भी फ्लाइट में जो 3 स्टेप्स हो सकते हैं मिनिमम होने चाहिए। परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस सेक्शन ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंक्रीट की यील्ड स्ट्रेंथ पर नहीं डिपेंड करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कॉम्पैक्शन टेस्ट में अगर हम कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाते हैं, ठीक है, ये हमारी ओएमसी है और ये हमारा ड्राई यूनिट वेट है, तो कॉम्पैक्टिव इफेक्ट बढ़ाएंगे तो हमारा कर्व इधर शिफ्ट हो जाएगा, ओएमसी हमारी रिड्यूस हो जाएगी और मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा ओएमसी विल रिड्यूस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द चेंज इन शेयरिंग फोर्स बिटवीन दो पॉइंट्स के बीच में जो शेयरिंग फोर्स का चेंज है, ठीक है, यानी डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू लोडिंग डायग्राम बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो 70 का ए करेक्ट आंसर होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ लोड इज नॉट कंसीडर्ड इन द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो जो हमारा अर्थक्वेक और विंड लोड्स हैं, ये इन दोनों लोड्स की एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, इस वजह से ये लोड हमारा डिजाइन कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्क्वायर का अबाउट इट सी जी इज टेकन एज बी 4/12। मुलर वेस्ली प्रिंसिपल से हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कोर्स ऑफ स्टोन प्रोवाइडेड जस्ट बिलो कॉर्नाइस इज नोन एज फ्रीज। एक्चुअली स्पेलिंग इसकी FREZE होगी, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, एंड इट इज एक्सपोज्ड अलोंग द एक्सटर्नल फेस ऑफ द वॉल। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। जो मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट है ये हमारा 4% ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ध्यान रखना है आपको, 0.04 B × D। The constant of proportionality between seepage and hydraulic gradient is known as coefficient of percolation. ये मैंने UPSC AE के जो doubtful questions की series थी उसमें आपको explain किया था with reference. So coefficient of percolation is the correct answer. In air conditioning building जो glass recommended है वो हमारा foam glass होता है. Slow setting के लिए हमारा जो higher component होना चाहिए वो dicalcium silicate होगा, जिससे हमारी setting time जो होगा वो delay हो जाता है, setting जो होगी वो धीरे धीरे होगी. Short term elastic modulus जो होगा 5000 √FCK होगा. कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है हमारा D32 / D10 × D60 होता है, 80 का डी होगा ऑप्शन। एक बोरो एरिया है जहां की ड्राई डेंसिटी हमारी दी हुई है 1.676 × 10 m³। हमें कितने क्यूबिक मीटर मिट्टी चाहिए एक एम्बैकमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए जहां पर जो ड्राई डेंसिटी है वो 1.68 है और उसकी जो वॉल्यूम है वो 100 m³ है। तो हमें V1/V2 पता है, γD2/γD1 है, दोनों का आप रेशियो निकाल के हमें V1 निकालना है, V2 हम अज्यूम कर लेते हैं 100 m³ में डालना था, तो हमारी जो मिट्टी चाहिए होगा दैट विल बी V1 × V2 × 100 × 1.68 / 1.76। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो यू विल गेट एज 95.45 m³ आपको मिट्टी चाहिए। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है कि ऑन द प्लेन, जिस प्लेन पे हमारी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रही है उस पे हमारा नॉर्मल स्ट्रेस इज नॉट जीरो, ठीक है, इट इज जनरली टेकन एज द एवरेज ऑफ बोथ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी। Which of the following is the most accurate method? तो generally detailed estimate हमारा most accurate method है, but यहाँ पर आप देखेंगे ये detailed estimate option में है नहीं, तो cube rate उसके बाद जो होता है cube rate estimation जो हम करते हैं यहाँ पे volume के terms में including the height हमारी role में आ जाती है estimation में, तो वो gives the most accurate form of estimate। तो cube rate estimate हमारा correct option होगा। एक column है जहाँ की unsupported length L है और दोनों ends हमारे fully restrained है, तो जो इफेक्टिव लेंथ है कॉलम की जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो हमारी 0.65 एल होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिंगली सपोर्टेड रिइंफोर्स्ड बीम है जिसकी जो विड्थ है 300 mm है, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी है, M25 ग्रेड की स्टील है, Fe 500 है, तो Fe 500 के जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी वो हमारी आप निकालोगे तो 0.46 times डी आती है।
ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि हम 16 एमएम के कितने रेनफोर्समेंट बार्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं लिमिटिंग रेनफोर्समेंट हमारा जो होगा दैट इज टेकन एज 0.362 FCK BXU लिमिटिंग डिवाइडेड बाय 0.87 FY। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1142.64 मीटर स्क्वायर एरिया। मैक्सिमम जो रेनफोर्समेंट एरिया प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर बैलेंस सेक्शन इज 1142.64। ठीक है, अब हमें प्रेफर करना है कि जो हमारा सेक्शन रहे वो अंडर रेनफोर्स रहे। तो अंडर रेनफोर्स के लिए हमारी कंडीशन ये है कि जो हम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करें वो हमारा लिमिटिंग से कम रहे। तो लिमिटिंग के रेस्पेक्ट में हमारे जो नंबर ऑफ बार्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे 1142.64, और हमारे एरिया ऑफ वन बार जो हमें लेना है 5/4 इंटू 16 डायमीटर स्क्वायर, तो ये आएगा आपकी सॉल्व करोगे तो 5.68। तो इसका मतलब 5.68 से आपको कम बार प्रोवाइड करने होंगे। तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बार्स आप प्रोवाइड कर सकते हो राउंडिंग फॉर्म में वो आप 5 प्रोवाइड करोगे, 6 प्रोवाइड कर दोगे तो आपका सेक्शन ओवर एनफोर्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा 5। हॉरिजॉन्टल वेब स्टिफनेस आर यूज्ड इन प्लेट गर्टर्स इफ डेप्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ द वेब इज ग्रेटर देन 200। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट टू ड्राई यूनिट वेट ऑफ सैंपल। सैचुरेटेड यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट का जो रेशियो है ये हमारा 1.25 है, यानी GS प्लस E अपॉन GS इज इक्वल टू 1.25, और GS की वैल्यू हमारी दी है 2.65। इसको आप सब्सटीट्यूट करोगे E की वैल्यू आपकी जो निकल के आएगी वो 0.663 आ जाएगी। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। जो हमारे डोर्स और विंडो ओपनिंग की जो वर्टिकल साइड्स हैं इनको हम जैम्स बोलते हैं, जो कि इसमें ऑप्शंस में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। लिमिट स्टेट मेथड में जो स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट है ये हमारे क्रैकिंग को कंट्रोल करते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्लेट लोड टेस्ट में जो अल्टीमेट लोड है अगर हम लॉग लॉग पे ग्राफ पे लोड सेटलमेंट ग्राफ बना रहे हैं तो हमारा लीनियर वैल्यूज आती हैं, तो सडन ब्रेक से हम डायरेक्टली अल्टीमेट फेलियर लोड निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। टेंजेंट्स वाला जब हम अरिथमेटिकल स्केल पे जो वैल्यूज निकालते हैं वहां पर हम टेंजेंट मेथड से अल्टीमेट लोड निकालते हैं, तो यहां पर ऑप्शन बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्थ मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइंस। सिंकिंग फैक्टर जो है वो आई अपॉन 1+i^(n-1) हम लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड बोथ इन इलास्टिक एंड प्लास्टिक एनालिसिस। इक्विलिब्रियम कंडीशन हम सेटिस्फाई करते हैं, ये हमारा वेन शियर टेस्ट का न्यूमेरिकल है, तो वहां पर हमारा जो टॉर्क अप्लाइड करेंगे वो सी यू इंटू पाई डी स्क्वायर एच बाई टू डी क्यूब बाई सिक्स। यहाँ पे डी हमारा 7.2 सेंटीमीटर आप ले लोगे, एच हमारा लेंथ ऑफ द वेन ले लोगे, और टॉर्क हमारा 45 न्यूटन मीटर लेके जो आपकी सी यू वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 42 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बिकॉज ये हमारी सॉफ्ट क्ले है तो शियर स्ट्रेंथ जो होगी सी प्लस सिग्मा बार टेन फाइव होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे फाइव वैल्यू विल बी जीरो, तो जो हमारी शियर स्ट्रेंथ होगी वो हमारी कोहेसिव स्ट्रेंथ के बराबर होगी। इट इज गिवन एज 42 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी हमारी करेक्ट होगी। डेटोरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू रिपीटेडली अप्लाइड स्ट्रेस इज नोन एज फैटीग। एज पर आई एस 456 जो मिनिमम कवर है फुटिंग के लिए 40 mm रखा गया है। साइक्लिक प्लेट लोड टेस्ट से हम स्किन रेजिस्टेंस और टिप रेजिस्टेंस दोनों को सेपरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी यूज्ड एज अ रफ गाइड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फेलियर इन द सॉइल। एंगल ऑफ शियर रेजिस्टेंस यानी फाइव वैल्यू से हम टाइप ऑफ फेल्योर जनरली जनरल शियर फेल्योर है लोकल शियर फेल्योर है वो कोरिलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डेंसिटी इंडेक्स। तो हमारा जो प्राइमरी फैक्टर है वो एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस है। एक कैंटिलीवर बीम है जो रेक्टेंगुलर सेक्शन की है, इसकी हम विड्थ मान लेते हैं बी है, डेप्थ डी है। जो हमारा कैंटिलीवर बीम का जो फ्री एंड पे जो सपोर्ट होगा उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा दैट इज गिवन बाय पी एल क्यूब अपॉन 3EI। तो डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी आई ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज बी डी क्यूब अपॉन 12। तो हमारी डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, अगर हम इस विड्थ को डबल कर दें तो हमारा जो डेल्टा है वो डेल्टा बाई टू आ जाएगा, तो इट विल बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल डिफ्लेक्शन। तो डिफेक्ट सच एज ब्लिस्टर्स एंड क्रैक्स जो बिटुमिन में है नेचुरल एजेंसी से होते हैं सच एज वाटर एयर एंड लाइट, तो तीनों के जो कंबाइंड इफेक्ट्स हैं उससे हमारी ये ब्लिस्टर और क्रैक्स बिटुमिन सर्फेस में आपको मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा।
इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड. एग्जिट ग्रेडियंट जो होगा वो हेड लॉस और लेंथ ऑफ द सीपेज यानी हाइट ऑफ द सीपेज के बराबर होगा. द प्रोडक्ट ऑफ आई ई एंड इज नोन एज फ्लेक्चरल रिजिडिटी. सेंटरिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए हम क्लास 2 सेकंड क्लास के ब्रिक्स यूज करते हैं. रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला जो है FCA अपॉन 1 प्लस A इज अ कांस्टेंट फैक्टर L बाय K इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन का होल स्क्वायर. ऑप्शन बी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. वाइड एंड डीप क्रैक्स इन कंक्रीट मेंबर्स में बी रिपेयर्ड बाय ग्राउटिंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. साइड फेस रेनफोर्समेंट हमारा जो डीप बीम में है दैट शैल नॉट बी लेस देन दैट शैल बी ग्रेटर देन 0.1% ऑफ द वेब एरिया. तो 0.1% जो है वो 0.001 इनटू वेब एरिया. ऑप्शन सी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. तो नंबर ऑफ फनिकुलर पॉलीगन्स विच कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू स्पेसिफाइड पॉइंट्स इन स्पेस डायग्राम आर इनफिनिटी. ऑप्शन डी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. सिंगल पॉइंट लोड जो कि हमारा एक सिमेट्रिकल पैराबोलिक 3 इंच आर्च में मूव कर रहा है तो मैक्सिमम मोमेंट जो होगा वो फ्रॉम द एंड्स 0.211 L पे होगा. जो मिनिमम थिकनेस ऑफ द वॉल है जहां पे हम सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड यूज कर सकते हैं उसकी जो थिकनेस है वो 1.5 ब्रिक थिक होता है. हॉट बिटुमिन जो होगा विच इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड इट इज यूज फॉर डैम प्रूफिंग कोर्स इन द बिल्डिंग. हमें मिनिमम थिकनेस इसमें उसको अप्लाई करना होता है इट इज 3 mm. ध्यान रखना है 3 mm इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. एक कंक्रीट की बीम है जिसकी विड्थ दी है और इफेक्टिव डेप्थ दिया है और हमसे बोला गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट आपको बताना है. तो मिनिमम रेनफोर्समेंट जो होता है आपका AST मिनिमम डिवाइडेड बाय BD 0.85 अपॉन FY. तो यहाँ पर FY की वैल्यू जो दी है 4 and 15 दी है. D की वैल्यू आपको 400 दी है. B की 250 दी है. तो आपका जो AST मिनिमम आएगा इसको सॉल्व करने से विल बी 205 mm², ठीक है. और जो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट है दैट इज 4% ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया. ध्यान रखना है ग्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होती है बट यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है तो वी विल अज्यूम कि हमारा जो मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो इससे ऊपर ही होगी. तो इसको आप सॉल्व करेंगे 0.04 × 250 × 400. एक्चुअल में ये आंसर भी हमारे मैच नहीं कर रहे हैं बट इन्होंने गेट का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन उठाया है तो यहाँ पे एक्चुअल में इनको ओवरऑल डेप्थ या कवर देना चाहिए था जिसके बेसिस पे आप मैक्सिमम एरिया निकाल पाते. तो वी कैन गेस कि जो नियरेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो बी हो सकता है, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व द एक्सपेल्शन ऑफ पोर एयर. जो एयर ट्रैप्ड होती है वो हमारी निकलती कॉम्पैक्शन में. फोर्स मेथड हमारा जो है उसमें थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट्स, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन और कास्टिग्लिनोस थ्योरम आते हैं. मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड की कैटेगरी में आता है. एक बार है जिसका जो डायमीटर है वो 4 cm है और उसमें जो डिक्रीज हो रहा है यानी डेल्टा डी वो 0.0018 cm हो रहा है. यानी जो हमारा लेटरल स्ट्रेन है माइनस डेल डी बाई डी है, ठीक है. इसको आप सॉल्व कर लोगे 0.0018 / 4 तो इसको आपको ये निकल के आएगा 0.0045, ठीक है. ये लेटरल स्ट्रेन हो गया और पॉइजन्स रेशियो हमारा कितना होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो लेटरल स्ट्रेन हमारा 0.0045 हो गया डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारा कितना हुआ चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ 0.03 डिवाइडेड बाय 20. इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.3. बट यहां पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. यहां पे इनकी टाइपिंग मिस्टेक है एक्चुअली. नन ऑप्शन इज करेक्ट. कैलकुलेशन मिस्टेक है. ऑप्शंस में इन्होंने 0.3 की जगह 0.03 दिया है. अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स में ग्रेनाइट मार्बल और ट्रैप अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स कैटेगरी में आते हैं तो करेक्ट आंसर जो होगा ग्रेनाइट होगा. उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक पर्ट नेटवर्क है जिसमें 9 एक्टिविटीज है क्रिटिकल पाथ पे और स्टैंडर्ड डेविएशन हर एक्टिविटी का 3 है क्रिटिकल पाथ पे. तो क्रिटिकल पाथ के लिए जो 9 एक्टिविटीज हैं उसके अलॉन्ग हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा σ1² σ2² से लेके σ9² इसको आप सॉल्व करोगे तो हर का स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो 9 एक्टिविटीज इंटू 3 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 9. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा. कोलैप्स लोड को आप काइनेमेटिक मेथड से आप निकाल सकते हो. एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन से यहाँ पे हमारा कोलैप्स मैकेनिज्म में 3 हिंजेस बनेंगी, ठीक है. ये आप थीटा अगर एज्यूम करोगे
ये अगर अल्फा ज्यूम कर लो, ये बीटा ज्यूम कर लो, तो बाई ज्योमेट्री ये डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट रहेगा, तो अल्फा जो है वो 2 बीटा के बराबर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे एक्सटर्नल और इंटरनल वर्क को इक्वेट करके, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, 9 MPa/L। बेसिकली हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि हमारा जो कोलैप्स लोड है वो डब्ल्यू यू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोलर्स इज सुटेबल फॉर सॉयल सीमेंट स्टेबलाइज्ड कंस्ट्रक्शन, तो स्मूथ व्हील्ड रोलर जो है सॉयल सीमेंट स्टेबलाइज्ड कंस्ट्रक्शन के सबसे मोस्ट सुटेबल है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रायर इन पेंट्स, तो कॉपर सल्फेट जो है वो हमारा ड्रायर नहीं है पेंट्स के लिए। लग एंगल्स हमारा कनेक्शन की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। सी फाई निकालने के लिए जो हमारा टेस्ट यूज होता है वो ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट होता है। स्ट्रेन एनर्जी सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो आपकी निकल के आती है W²L³/96EI इज द करेक्ट आंसर। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल इट इज रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक्स टू इक्विवेलेंट स्टैटिक प्रॉब्लम्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लिफ्टिंग द कॉर्नर्स ऑफ द स्लैब इज प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग द टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट। सो आई होप मेरा वीडियो आपको बहुत हेल्प होगा, आपको अपने आंसर प्लीज मैच आउट कर सकते हो। जिस भी क्वेश्चन में फर्दर कोई डाउट है वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।